पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत जनपदों में धरना प्रदर्शन व कार्य बहिष्कार तथा लखनऊ में विशाल रैली के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए अप्रैल 2005 के बाद राजकीय सेवा में आए कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों के लिए पुरानी सुनिश्चित पेंशन योजना की पुरजोर बहाली की मांग की गई थी। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में आहूत बैठक तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ मंच के पदाधिकारियों की संपन्न बैठक को आपसे संपन्न वार्ता में बनी सहमति के आधार पर शासन के उच्च अधिकारियों के साथ मंच के प्रांतीय पदाधिकारियों की विगत दो माह से वार्ताएं तो की गई, किंतु कोई सार्थक परिणाम नहीं आ सके, जिसकी सूचना मंच द्वारा आपको पत्र के माध्यम से वार्ताओं की असफलता के उपरांत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया था, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण प्रदेश भर में कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों में रोष है। इस ज्ञापन के माध्यम से जनपद के समस्त कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारियों द्वारा आग्रह किया जाता है कि अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त पाए सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों को नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान करते हुए संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे प्रदेश भर में दिनांक 6 फरवरी 2019 से प्रस्तावित पूर्ण हड़ताल की स्थिति से बचा जा सके। ये निर्णय मंच की जिला शाखा के सभी संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों व सदस्यों की उपस्थिति में ध्वनिमत से पारित करते हुए आपको ध्यानाकर्षण प्रेषित किया जा रहा है। इस अवसर पर सर्वेश शर्मा, श्रीकांत यादव, सैयद आसिफ हसन, देवेश चक्रवर्ती, महेंद्र सिंह, संजय कुमार सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, रामनाथ चौहान, नरेश सैनी, मनोज कुमार, जेपी मौर्य, राकेश कौशिक, एनके सैनी, डीके शर्मा, रविंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम श्रीकांत यादव, संयोजक कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच। 2004 से जो हमारे कर्मचारी भर्ती हुए उनको केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने पेंशन विहीन कर दिया है। हमारे देश का चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, सब लोगों ने उसको बंद कर दिया है। उसको लेकर के हमारा एक आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन बहाल के लिए। उसमें हमारे अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं और सारे संगठन के नेता। हमारी मांग केवल मन्नी वन पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन हमें सरकार बहाल करे, जिसमें पूर्ण काल में जो हमारे 46 सांसद थे लिखित रूप में दिया था कि हमारे पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। जब वो सरकार में आ गए तो वही लोग हिले हवाली कर रहे हैं, उसी के लिए लड़ाई है। उन्हें याद दिलाया जा रहा कि आपने उस समय क्या लिखा था, आज क्यों हिले हवाली कर रहे हैं। आज द्वितीय चरण के आंदोलन में पुरानी पेंशन बहाल के लिए मेरा मिसाल दूंगा, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारी हड़ताल है। उसके बाद 12 फरवरी के बाद हम अगला निर्णय लेंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह भी फैसला लिया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और इनको हम सांसद नहीं बनने देंगे अगर ये हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं। पुरानी पेंशन हम लोग आज यहाँ पे सब इसीलिए एकत्र हुए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो हमें सरकार आश्वासन दे रही है कि हम अच्छा करेंगे, तो हमें यहाँ पर सरकार से अपनी यही उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हम सब उनसे अपना एक ही बस ये रखते हैं कि हमारा पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ताकि आज जिस मकसद के लिए हम लोग सब एकत्र हुए हैं वो हमारा मकसद।